डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट फोर्थ में रिंग सिंथेसिस की यूनिट शुरू करी थी। आज हम उसी रिंग सिंथेसिस में सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड हेटरोसाइकिल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम थ्री मेंबर, फोर मेंबर, फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर रिंग का सिंथेसिस और उसका डिस्कनेक्शन की स्टडी करेंगे। ये जो रिंग होगी वो सैचुरेटेड होगी और इसमें एक हीटरो एटम भी होगा, इसलिए ये पूरा वर्क जो है वो सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड हेटरोसाइकिल्स कहलाता है। तो सबसे पहले आज हम थ्री मेंबर रिंग्स का सिंथेसिस और उसका डिस्कनेक्शन यानी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं थ्री मेंबर रिंग्स। थ्री मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज काइनेटिकली फेवरेबल बट थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, यानी थ्री मेंबर रिंग जो है वो इजीली फॉर्म हो जाती है पर उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि थ्री मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज काइनेटिकली फेवरेबल बट थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, सो दैट थ्री मेंबर रिंग्स आर ऑफन डिस्ट्रॉयड अंडर द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसलिए कई बार थ्री मेंबर रिंग बनने के साथ साथ ही वो डिस्ट्रॉय ख़त्म भी हो जाती है। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ थ्री मेंबर सैचुरेटेड हेटरोसाइकिल्स। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि थ्री मेंबर रिंग हेटरोसाइकिल सैचुरेटेड रिंग को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं सिंथेसिस के, और उन्हीं को हम कैसे डिस्कनेक्ट करें, तो डिफरेंट डिस्कनेक्टिंग मेथड्स भी उनके अपने को लर्न करने हैं। मोस्ट थ्री मेंबर रिंग्स आर मेड बाय इंसर्शन रिएक्शंस। इंसर्शन रिएक्शन से थ्री मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है इन विच टू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल स्टेप, जिसमें एक ही पद में दो बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल थ्री मेंबर रिंग का हेटरोसाइकिल का सैचुरेटेड और वह इपॉक्साइड्स, जिसमें थ्री मेंबर रिंग है लेकिन उस थ्री मेंबर में एक मेंबर जो है वो ऑक्सीजन एटम होता है, सैचुरेटेड है, इसलिए हम इसको इपॉक्साइड्स या ऑक्सीराइन भी कहते हैं। इपॉक्साइड्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम एल्कीन्स, ये जनरली एल्कीन्स से बनते हैं। तो इसलिए इसका मतलब एल्कीन्स में एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो दो कार्बन थे जिनके बीच में पाई बॉन्ड था वो दोनों कार्बन एक ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जब डिस्कनेक्शन हम करेंगे तो बोथ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कैन बी डिस्कनेक्टेड एट वंस, द रिएजेंट इज ए पैरासिट। तो इपॉक्साइड्स को बनाने के लिए जो रिएजेंट है यानी एल्कीन पर जिसकी रिएक्शन होगी वो होगा पैरासिट्स। पैरासिट्स की रिएक्शन से एल्कीन पर इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का, ये एक टारगेट मॉलिक्यूल इज गिवन, थ्री मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन एटम है रिंग में और एक कार्बन से एक सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ एक तरीका इसके डिस्कनेक्शन का, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों को हम एक साथ ब्रेक कर दें, इसका मतलब ये ऑक्सीजन अलग निकल गया, तो ये हमारे पास में एक एल्कीन बनेगी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक ऑक्सीजन एटम सेपरेट हो गया। तो इस तरह से इस इपॉक्साइड को बनाने के लिए जो सिंथेसिस काम में आती है वो यही है कि हम इस एल्कीन की रिएक्शन करा दें एक पैरासिट से, और पैरासिट लिया जाता है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, जिसको हम MCPBA के रूप में लिखते हैं। बेंजीन रिंग पर एक पैरासिट ग्रुप CO3H और उसके मेटा पोजिशन पर क्लोरीन लग रहा है, तो हमने इसको नाम दिया मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड की रिएक्शन होगी। तो एक ऑक्सीजन एटम जो है इन दोनों हम यू लर्न कर सकते हैं कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो दो बॉन्ड बनते हैं एक साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन से, और ये MCPBA जो है मेटाक्लोरो पर मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कनेक्शन ऑफ ए कार्बन एटम सजेस्ट ए कार्बीन एज इंटरमीडिएट। दिस डिस्कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इपॉक्साइड्स
ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक और तरीका इन इपॉक्साइड्स को डिस्कनेक्ट करने का, जिसमें इंटरमीडिएट एक कार्बिन बनती है, और इस तरह के इपॉक्साइड्स बनाए जाते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से। तो इस ये रिएक्शन हम आगे इसको देखते हैं। तो हमें इस तरह का एक टारगेट मॉलिक्यूल इज गिवन, जिसमें ये थ्री मेंबर रिंग, एक जो कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप लग रहे हैं और अगले कार्बन पे एक एस्टर ग्रुप लग रहा है COOC2H5। तो हम यहाँ पे एक तरीका और है डिस्कनेक्ट करने का कि एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ एक दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड हम ब्रेक कर दें। तो ब्रेक करने पर ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन हम अलग सेपरेट कर दें, तो ये तो एक हो गया कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये जो कार्बन है जिस पर ये एस्टर ग्रुप लग रहा है वो अलग हो गया, तो CH COOC2H5, तो एक सब्सिट्यूटेड कार्बीन हो गया। तो इस तरह से भी हम डिसकनेक्शन को शो कर सकते हैं जहाँ पर ऐसा एक एस्टर ग्रुप लग रहा हो। तो इसके सिंथेसिस में हम एक इस तरह का क्लोरो एथिलेसिटेट लेते हैं CH2COOC2H5, बेस की प्रेजेंस में, एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो ये कार्बन से एक H का रिमूवल होगा, कार्बोनाइल बनेगा। ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्म ही हो जाएगी जिसमें इस एस्टर ग्रुप के कार्बोनाइल कार्बन के बीच में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो हम कह सकते हैं इनोलेट का अटैक होगा कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वहाँ से ये क्लोराइड आयन का रिमूवल होगा, और ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये टारगेट मॉलिक्यूल थ्री मेंबर सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल का फॉर्मेशन करेगा, एक सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। तो इस तरह से हम दूसरा तरीका एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके भी शो कर सकते हैं। दिस सेम डिस्कनेक्शन ऑफ ए कार्बन एटम इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इपॉक्साइड्स विदाउट कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मेथड जहाँ पर कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है वहाँ भी हम इसको काम में ले सकते हैं। फ़र्क कितना होगा, द रिएजेंट शुड बी ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बीन इक्विवेलेंट। जो रिएजेंट होगा वो जनरली हम सल्फर लिड को काम में लेते हैं, जिसमें भी एक है वो कार्बीन टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन एस्टर की जगह वो सल्फर लिड वहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक एनालिसिस हम शो करें, ये इसी तरह से एक थ्री मेंबर रिंग है इपॉक्साइड की जिसपे दो एल्किल ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एस्टर ग्रुप नहीं है। तो हम क्या करें, वही तरीका अपनाएं, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो ये जो दोनों एल्किल ग्रुप हैं इस ऑक्सीजन के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो एक कार्बन बचा CH2 वो हम इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड सल्फर Me2 दो मेथिल ग्रुप जिस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है। ये एक जो है कार्बिन इक्विवेलेंट है, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है कार्बन पे, इसको हम सल्फर लिड कहते हैं। सिंथेसिस में इस कार्बन कंपाउंड की इस सल्फर लिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये टारगेट मॉलिक्यूल बनता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बने उसको हम यूँ बना सकते हैं, डाईमेथिल सल्फाइड पर मेथिल हाइड्राइड की रिएक्शन कराएं तो ये ट्राईमेथिल जो है सल्फाइड बनता है जिसमें सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस Me3S पॉजिटिव पर हम एक बेस डाल दें, तो बेस एक एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में सेपरेट कर देगा, तो दो तो मेथिल ग्रुप एस सच रह गए, सल्फर पर पॉजिटिव है, तीसरे मेथिल ग्रुप में से एक एच निकल गया तो उस कार्बन पे नेगेटिव आ गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इक्विवेलेंट कहलाता है। इसके रिएक्शन जब होगी कार्बोनाइल कंपाउंड से तो टारगेट मॉलिक्यूल थ्री मेंबर सैचुरेटेड इपॉक्साइड बनता है। एक लास्ट में थ्री मेंबर रिंग में डिसकनेक्शन ऑफ ओनली वन CO बॉन्ड में आल्सो बी मेड। तो एक और तरीका है इपॉक्साइड्स में डिसकनेक्ट करने का कि हम दो बॉन्ड की बजाय एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही ब्रेक करें,
तो हमारे पास क्या स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं? एनालिसिस जैसे इस तरह का, एक कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप लग रहा है इपॉक्साइड केयरिंग पे। हम मान लीजिए इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो ये जो कार्बन है इस पर एक, ये एक मेथिल ग्रुप और ये एक सब्सिट्यूटेड ग्रुप लग रहा है एल्किल। इसी कार्बन पे ऑक्सीजन रह गया, इसको हम OH बना देते हैं। ये आगे CH2 और इस CH2 से एक हैलोजन को अटैच कर देते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको हम फर्दर डिस्कनेक्ट करें, एक कार्बन पर ही ये सारे सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के रूप में हम इसको शो करें। तो इस एल्किल ग्रुप को तो हम सेपरेट कर देते हैं गिगना रिएजेंट की फॉर्म में और ये बन जाएगा एक, हम इस तरह से क्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड में हम इसको क्लोरो जो है एसीटोन ले सकते हैं। अब जब हम सिंथेसिस कराएं तो हम यूँ कह सकते हैं ये एक एल्किल हैलाइड लिया, 2-bromopropane, इसके पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करा ईथर की प्रेजेंस में तो इसका ग्रिगना रिएजेंट बनेगा, उसके रिएक्शन हम करा दें ये क्लोरो एसीटोन से तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, क्लोरो एल्कोहल्स बनते हैं। बेस से रिएक्शन कराएंगे, इस OH का H जो है वो हटेगा प्रोटोन के फॉर्म में, O-, ये O- इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करके इस क्लोराइड को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो एक 3-member रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें एक कार्बन पर ये मेथिल ग्रुप और एक हम कह सकते हैं या आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हमें मिलेगा। तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से 3-member सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक इपॉक्साइड्स का हम सिंथेसिस इन डिफरेंट मेथड्स के द्वारा शो कर सकते हैं।